ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, और आने पर अगर आपने पहले जो इंडियन नेवी की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई किया था तो आपको डायरेक्टली लॉग इन करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है कि आप किसके माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं, आधार वर्चुअल आईडी या फिर आधार नंबर। तो यहाँ से हम ये सेकंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी चूज करनी होगी, इनमें से आप कौन सी आईडी देना चाहते हो आपको चूज करना होगा, इनमें से कोई एक आईडी आपको देनी आवश्यक है। फिर इसके बाद आपको जो भी आईडी आपने चूज किया उसका नंबर यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना नेम फिलअप करना है, और ये नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर भरना है। पहले फर्स्ट नेम डालिए, अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है, और जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने पापा या फिर आपके जो माता जी है उनका नाम एंटर करना है, और ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। गार्जियन नेम जो भी आपके अभिभावक है आप उनका नाम यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, आपकी माता हो, आपके पिता हो। फिर पैन कार्ड जो आपने नंबर यहाँ पर यानी कि जो भी आईडी आपने चूज की थी उसका नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है, और ये डीओबी भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। आपको यहाँ पर पहले अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ से आपको अपना मंथ सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ से आपको डे सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आपको यहाँ से इंडियन या फिर जो भी आपकी नेशनलिटी वो चूज करनी है, दोनों सही यानी कि आप किस स्टेट के निवासी हो स्टेट यहाँ से आपको चूज करनी है। जेंडर अपना यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेरिटल स्टेटस आपका जो भी है यहाँ से आपको चूज करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट और टू, बेसिकली अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, चाहे वो मार्क कैसा भी हो, जलने का कटने का, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं मोन ऑन माई CHICK यानी कि ये मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। इसको लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क टू, अगर आपके बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज करनी है कि आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है। तो चलिए हम यहाँ से इसमें से कोई क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपके पास कोई एक इनमें से क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर इसमें से ऐसे ही रहने देना, यानी कि प्लीज सिलेक्ट ही रहने देना है। इसके बाद अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स में आपको यहाँ पर अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है, और फिर आपको क्या पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है, और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अंग्रेजी का छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, आपका एक स्पेशल वर्ड, इसके अलावा डिजिट होना आवश्यक है। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं यहाँ पर एक कैपिटल करूंगा, उसके बाद MZAD में स्मॉल में लिखूंगा, और स्पेशल कैरेक्टर में @ या फिर डॉलर का जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करूंगा, और बाद में कोई भी डिजिट 2-3 लगा दूंगा तो पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। फिर आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद आपको इन दोनों के ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ से आपको SMS लैंग्वेज चूज कर लेनी है, और जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपने भरी है सबको एक बार कंफर्म करने के बाद ही आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई होगी, और आपको यहाँ पर एक ग्रीन लाइन के अंदर बोला जाएगा कि आपको ईमेल 24 घंटे से पहले वेरीफाई कर लेनी है। जैसे आप उसको वेरीफाई कर लो तो आपको यहाँ पर होम पेज से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए इसको फिलअप करके हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे, और आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस भी आ सकता है, बट अभी आपके सामने यूजर प्रोफाइल का सेक्शन आएगा। यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल से जुड़ी हुई जानकारी और भी फिल करनी है, जिसमें कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे, साथ ही यहाँ पर आपका हाईएस्ट जो स्ट्रीम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका स्ट्रीम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद में यहाँ पर आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर यहाँ पर प्रेफर्ड SMS लैंग्वेज, यानी किस लैंग्वेज में आप SMS चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपके यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिए, एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर है तो आप पहले पहले वाला मार्क लिखेंगे, फिर अगर एक और मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में भी यहाँ पर लिख देंगे, एंड देन जो आपका यहाँ पर आईडी है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, इसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे, एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, जहां पर आपको आपका जो 12th का मार्कशीट है वो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका 12th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर 12th की इन्फॉर्मेशन और भी देनी है, जिसमें कि आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर है, मार्क्स या फिर CGPA। अगर मार्क्स है तो आप मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, एंड फिर सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि टोटल मार्क्स क्या थे, यानी कि कितने में से आपको कितने नंबर आए थे। पहले तो आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिख करके आपको दिखाया है, एंड फिर उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर ऑब्टेंड मार्क्स में लिखेंगे। मैंने ये फॉर्म डेमो के लिए भरा है, तो यहाँ पर मैं आप इस तरह से मेरे नंबर देख पा रहे हैं, बट आपको आपके रियल नंबर देने हैं। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे, आपसे पूछेगा कि सिलेक्ट सब्जेक्ट टू कंसीडर इन परसेंटेज, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट
है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट या फिर रोल नंबर आपको देना होगा, एंड कहाँ से आपने आपकी बारहवीं की कौन से स्टेट के द्वारा कंडक्ट हुई थी वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने की है, अगर आपका स्टेट बोर्ड था तो आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से है तो आपका यूपी सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लें। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर अलग से मेंशन है इस लिस्ट में जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से आपका जो बोर्ड है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका बोर्ड इसके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लें। एंड इसके बाद में गाइस यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे और फिर आपको टेंथ की इन्फॉर्मेशन देनी है, टेंथ के नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या फिर सीजीपीए। अगर मार्क्स तो टोटल मार्क्स लिखे और उसमें से जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर लिख दें, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको यहाँ पर टेंथ की मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है, एंड उसके बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा आपने आपकी दसवीं की है वो आपको बताना है, और आपका बोर्ड कौन सा है वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको टेंथ की मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो आपने यहाँ पर अपलोड किया वही आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर एक कैप्चा कोड डालिए एंड देन इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी, एक तरफ आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर नीचे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे लाइन फर्स्ट टू के अंदर, आपकी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे, मोबाइल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलरेडी वेरीफाइड है। फिर अगर कोई अन्य ईमेल आईडी आप देना चाहते हो आप यहाँ पर डाल दीजिए, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, नहीं तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आते डॉक्यूमेंट जहां पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, इसका साइज आपका 100 KB से कम रहना चाहिए, फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। एंड गाइज यहाँ पर आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ब्लू होना चाहिए, लाइट ब्लू होना चाहिए, बिल्कुल ब्लू नहीं बल्कि लाइट ब्लू होना चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ कैसा फोटो आपको अपलोड करने के लिए बोला है। इसके बाद में गाइज आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, एंड फिर यहाँ से आप उसको ओपन कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, एंड उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज जैसे ही आपके यहाँ पर प्रोफाइल की जानकारी कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एंड अगर आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग या फिर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है, राशन के अंदर भी भरी है, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है इस पर अप्लाई करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। बट अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबिलिटी से मैच होती है और आपकी एज भी जो एज बताई गई है उसके बीच में है, तो आपके सामने ये आएगा और आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप यहाँ पर इन तीनों के ऊपर क्लिक कीजिए, अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पर अब आपको पर्सनल पर्टिकुलर्स में जो आपका फुल नेम है वो यहाँ पर टेंथ के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, एंड बाकी की जानकारी आप देखेंगे। इसके बाद में आपको आपकी डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको आपका 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे और पैन का नंबर दे देंगे। फिर अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप यस करेंगे और वोटर आईडी नंबर देंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप यस करेंगे और पासपोर्ट नंबर देंगे। राशन कार्ड है तो यस करेंगे और राशन कार्ड का नंबर दे देंगे। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए, तो कोई एक आईडी में आप यस कर दें अगर आपके पास है, एंड फिर वो नंबर डाल करके सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन पर्टिकुलर्स की जानकारी दी गई है, आपको यहाँ पर एंट्री वाइज क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है, ये सब आप चेक करेंगे। साथ ही डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन सिलेक्ट चेकबॉक्स टू कंसिडर 3 सब्जेक्ट इनटू एग्रीगेट परसेंटेज, तो आप यहाँ पर 3 जो सब्जेक्ट है उनको सिलेक्ट करेंगे एग्रीगेट परसेंटेज के लिए, तो जिसको भी आप कंसिडर करना चाहते हो उसका 3 सब्जेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, एंड उसके बाद में यहाँ पर बाकी नंबर्स की जानकारी आपकी दी गई है। फिर ये जानकारी चेक करते हैं, यहाँ पर आता है ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट सीआरएल, तो आपका जेई की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी है, तो आपके यहाँ पर ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट क्या थी वो आप लिखेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। कैंडिडेट्स आर टू प्रोवाइड जेडब्ल्यू इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ईयर 2023 ओनली, यानी कि 2023 ईयर की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, एप्लीकेशन नंबर बेसिकली। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आता है 10th टोटल इंग्लिश मार्क्स, तो टोटल इंग्लिश मार्क्स यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे और उसमें से नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे, एंड देन फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर मिलिट्री रिकॉर्ड के सेक्शन पर आएंगे, जहां पर आपसे सवाल पूछा है कि क्या आप आर्म फोर्स से डिस्चार्ज किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या कभी आप इनरोल हुए हैं आर्म फोर्स के अंदर पहले भी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB पहले भी अटेंड किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास नेशनल कैडेट कोर्प्स NCC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने एड्रेस की जानकारी आएगी जो कि आपको वेरीफाई करनी है। फिर मिस सैलेंसेस का आपके सामने ऑप्शन आएगा, जहां पर पूछा है कि आपको इस एंट्री के बारे में कहां से पता चला। कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, एंड देन फिर आपको क्या चीज मोटिवेट करती है नेवी में जाने के लिए, कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इसके बाद में क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप सेव नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा, डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आपको एक एक डॉक्यूमेंट ओपन करके अच्छे से देख लेना है कि सही से अपलोड हुआ है या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट
तो अपलोड नहीं हो गया। फिर आप सेवन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेट प्रायोरिटी का आपके सामने ऑप्शन आएगा। गाइस यहाँ पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि गाइस मेरे पास यहाँ पर जेई की जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है और मैं यहाँ पर कुछ भी डाल करके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि आपको आगे के दो इंटरफेस नहीं दिखा सकता। बेसिकली आप यहाँ पर इंडिकेट प्रायोरिटी के अंदर आएंगे तो आपको बताने की किसको आपको क्या प्रेफरेंस देनी है एंड देन फिर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, यानी कि जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक आपने भरी है आप चेक कर लेंगे एंड जब आपको लगेगी सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद में करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसके लिए आपने अप्लाई किया और एप्लीकेशन स्टेटस में आप यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइस आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रहेगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।